उधर अमित शाह के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं बचा है। केंद्र से ज्यादा चावल गरीबों को कोरोना के संकट काल में हमने दिए। डीएफएम की राशि अब काम कर रही है, उस पर काम किया जा रहा है। रावत सरकार में घोटाले हुआ करते थे और नक्सलवाद की घटनाएं अब बहुत कम हो गई है, ये कहना है सीएम बघेल का। अमित शाह को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता गलत जानकारी दे रहे हैं। पांच किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं और केंद्र सरकार ने दिया, उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हज़ार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी, वो भी बढ़ जाएगा। जनता जान चुकी है, जो है 2024 में उनको 10 साल पूरे होंगे। महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं और जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे रोजगार की बात है वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ 2023 में तो हम जीतेंगे, 2024 भी हम सभी लोकसभा सीट जीतेंगे। उधर रायपुर में सीएम बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुलाकात की। सीएम बघेल ने गरियाबंद दौरे से सीधे वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान सीएम ने छत्तीसगढ़ में मिलेट्स में बने उत्पाद और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित कलाकृति अमित शाह को भेंट की। मुलाकात की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम बघेल ने कहा था कि जो प्रोटोकॉल के मुताबिक रहेगा उसी तरीके से उनकी मीटिंग रहेगी, लेकिन देखिए गरियाबंद से सीधा वो विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। विकास कार्यों के संबंध में इस दौरान सीएम बघेल ने गृह मंत्री से चर्चा की है। सीएम ने मिलेट्स से बने उत्पाद और ये तमाम चीजें जो है अमित शाह को भेंट की है, संस्कृति पर आधारित कलाकृति भी भेंट की। तो यहां रुक रहे एक छोटे से